अरे यार, जितना जिसके पास बेमत रहता है उतना ही करेगा ना। इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। जितना उनको था उनके पास उतना इज्जत की है। युवराज की मौसी कोई करोड़पति नहीं है, समझ गए? करोड़पति नहीं है, ऐसा इज्जत मत उछालो। भगाई नहीं है ना, ये बताओ, भगाई नहीं है, इज्जत की है तो भी। अरे यार, बच्चा है वो, बच्चे को तो सबको प्यार रहता है, ऐसा बात नहीं है। बच्चे को सबको प्यार रहता है। बोल रहे कि युवराज की मौसी इज्जत नहीं की, नीचे बैठाई। अरे वो तो धरती माँ है यार, तुम लोग नीचे नहीं बैठते हो, हाँ धरती पर नहीं बैठते हो? कैसे कैसे पड़ गए हैं उल्टा सीधा बोलने वाले। अरे भाई, उनका रिलेशन है, संधि संधि है, संधि रिलेशन है, वो लोग समझेंगे बुझेंगे। बड़ी फेर में ये समझ में नहीं आ रहा है, चटाई बैठाई है, इज्जत नहीं हुआ है, ये नहीं वो नहीं। अरे यार, वो रिलेशन वाले हैं, जिसका जिसका जितना बेमत रहता है उतना ही करता है। कोई अपना खेत खरियान बेच के नहीं ना इज्जत करेगा, हाँ क्या बोल रहा हूँ? कोई खेत खरियान बेच के उनका इज्जत नहीं करेगा ना। जितना उनका उनका बेमत हुआ उतना की है वो। मैं भी देखा हूँ वीडियो, जितना इज्जत की है उतना बहुत है। घर से मार के नहीं ना भगाई है, घर से मार के भगाई नहीं, भगाई है युवराज से मिलाई है। अगर नहीं मिलाई होती तो वो गलत बात रहता। उन लोग पर वीडियो मत बनाइए ना, ये रिक्वेस्ट है, वीडियो मत बनाइए। सब अच्छे हैं परिवार से सब लोग। किसी का फैमिली का मजाक मत उड़ाओ ना, किसी का फैमिली का मजाक मत उड़ाओ। वो कंटेटर तो डाल दो, युवराज की मौसी इज्जत नहीं की, ये नहीं की, वो नहीं की। कैसे कैसे लोग पड़े हैं यार, कैसे कैसे लोग पड़े हैं। अरे भाई, दोनों रिलेशन वाले हैं, जितना जिसके पास रहता है, जितना जिसके पास रहता है उतना इज्जत करता है, जितना जिसके पास रहेगा उतना इज्जत करेगा। चटाई पटाई ए की ओ की, चटाई अच्छा नहीं है क्या? क्या चटाई भी अच्छा है, किसी का मजाक मत बनाओ ना, ये बहुत बेकार चीज है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। पत्थर, अरे भाई, जिसके पास नहीं रहेगा क्या करेगा बता, क्या करेगा, क्या करेगा? उनके पास चटाई था, चटाई पर बैठाई, इज्जत की, युवराज भी मिलाई। झोपड़ी है बेचारी, करना इज्जत करें। कहाँ से सोफा लेकर आएंगी बैठाने के लिए, एसी कहाँ से लगवाएंगी ये बता, एसी कहाँ से लगवाएंगी युवराज की मौसी? कुछ तो शर्म करो यार, दोनों रिलेशन वाले हैं, अपना समझेंगे हम तो बुझेंगे, समझेंगे बूझेंगे। दूसरे क्या है तमाशा बनाने तमाशा का। नहीं बनाना कुछ चीज का, ऐसा तमाशा बिल्कुल नहीं बनाना। अरे यार, कैसे कैसे लोग पड़ गए हैं यार। अब मैं तो सुन के हंसी आ रहा है, इन लोग का वीडियो देख के, वीडियो देख के हंसी आ रहा है। वीडियो ना का यूट्यूब पर वीडियो डाल, उनको देख के हंसी आ रहा है। जिसके पास जितना इज्जत रहेगा उतना करेगा, समझ गए? समझ गई, समझ लेना। किसी का रिलेशन रिलेशन का इज्जत मत उड़ाओ, बेवकूफ कहीं की। ऐसे ऐसे लोग पड़ गए हैं यार, गरीब लोग को भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग, गरीब लोग भी नहीं छोड़े, कसम से बोल रहा हूं।
मिलने तो दिए हैं सब लोग, सभी लोग मिलने दिए ना, उतना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि मिलने दिए हैं, भगाए नहीं ना। खिलाई है ना, गोद में लेके ही सब कुछ किए हैं, तो इस चीज का प्रॉब्लम है। अरे धरती माँ पे बैठा है यार, उससे बड़ा चीज क्या चीज है, ये हमारा धरती है, उस पर बैठा, अगर बैठा बैठ जाएंगे तो क्या होता है बोलो। हमारी धरती माँ है पहली नंबर यार, चटाई बैठा दी, ऐसा नहीं बोलना यार, खिलवाड़ मत करना किसी का, अब तू लोग का खिलवाड़ लग ही जाता है, तू लोग का खिलवाड़ लग ही जाता है कि वीडियो नहीं बना, वीडियो वीडियो स्टार्ट हो जाता है। अरे जिसके घर में नमक रोटी रहेगा तो क्या वो चिकन लग देगा, रखेगा खिलाएगा, बताओ कि तुम दे दोगे उनको, नहीं दे पाओगे। जिसके पास नमक रोटी रहेगा ना वो खिलाएगा तो खा के आराम से चले आना। दोस्तों ये लोग कसम से, मैं ये इस वीडियो मुझे अच्छा नहीं लगा है, ये जो वीडियो सभी लोग डाले हैं बनाए ना, यही वीडियो मुझे अच्छा नहीं लगा है, बिल्कुल नहीं अच्छा लगा है बच्चे जी। के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बस और कुछ मैं नहीं सोच रहा था इसके ऊपर वीडियो मैं बनाऊं, नहीं। बच्चे लेकिन ये को लोग गरीब गरीब का भी मजाक उड़ा दे रहे हैं, जो गरीब है उसका भी लोग मजाक उड़ा दे रहे हैं। मैं भी यूट्यूबर हूँ, बड़े बड़े यूट्यूबर मजाक उड़ा रहे हैं यार, कैसी शर्म करो यार तू लोग। तो क्या खाते हो? अरे जिसके पास बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूं, इतना जान लेना। वो तो बच्चा है, बच्चे को भी नहीं छोड़ा ये जलील करने से, गरीब को भी ये छोड़ा बता, नहीं। गरीब मेरा सवाल का जवाब देना पहले कमेंट में, गरीब रहेगा कहाँ सोफा लेकर आएगा, ये बता सोफा कहाँ से लेकर आएगा हाँ? जो उसके पास था, युवराज के मौसी के पास चटाई था, चटाई नहीं बैठने के लिए। तो लोग गरीब लोग को भी नहीं छोड़े हैं, वो लोग तो कुछ बोले, युवराज की मिलाई भी उनकी मौसी, कैसे कैसे लोग हैं सबसे यार। बड़ा बेइज्जती तो युवराज का कर रही है लोग, हाँ नाम लेकर गरीब का सबसे बड़ा बेइज्जती हो रहा है इसमें, जो गरीब लोग रहते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं उनका बेइज्जती तो कर रहे हैं सभी लोग। क्लिप थोड़ा सा लगा दीजिएगा, देखो वीडियो अरे क्लिप। ऐसा वीडियो मत बनाओ ठीक है, गरीब का मजाक मत उड़ाओ किसी का, अपने काम पे ध्यान दो, जब वीडियो नहीं बनाने आता तब मत बनाओ। कैसे कैसे पड़ गए हैं यार, अब मैं ही नहीं बोलेगा कि व्यूज के चक्कर में बनाओ, थोड़ा देख के बनाओ, सोच समझ के बनाओ, क्या मैं बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। किसके बारे में बोलूं, चलिए ठीक है। मैंने बनाने वाला था वीडियो, डाल दिया होता लेकिन नहीं बनाया, लेकिन तुम लोग का सोच सोच के, युवराज की माँ युवराज की मौसी इज्जत नहीं की, ये नहीं की, गलत बात है यार, बहुत गलत बात है। मैं बता रहा हूँ जिसके पास जितना रहेगा ना उतना इज्जत की है वो बेचारी, जितना रहेगा उतना चादर फैलाएगा आदमी। मालूम है, मिलने में दिए हैं। अरे यार उसका युवराज की माँ मरी है, गुस्सा थोड़ा बहुत रहता है माँ मालूम गई है, है, मालती को छोड़ो कोई बात नहीं, तो चली गई है बेचारी ना, बहुत अच्छी थी भी तो। वो भी अच्छी थी, लेकिन मैं अभी अभी बता रहा हूँ, उल्टा सीधा वीडियो मत बनाइए, अच्छा वीडियो बनाइए, दोनों का अच्छा बनाइए, बनाने का है तो दोनों का बनाइए, युवराज का दादी का भी युवराज के मौसी का भी, दोनों अच्छा वीडियो बनाइए। ये ना एक को नीचे गिराए, एक को नीचे गिरा दें, एक को ऊपर उठा दें, व्यूज के लिए मत करो पहले नंबर, दोनों का अच्छा करो तभी रिलेशन अच्छा रहेगा, नहीं तो रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा। अगर दिमाग रहेगा तो कमेंट कीजिएगा अच्छा से, मैं गलत बोला हूँ सही बोला हूँ, लेकिन अभी भी बोल रहा हूँ गरीब का मजाक मत उड़ाइए यार, बिल्कुल मत उड़ाइए, ये बहुत गलत बात है। आज शायद मालती चौहान होती तो ये सभी होता ही होता नहीं। नहीं,
मालूम है, इतनी अच्छी थी। वो बड़ी यूट्यूबर थी हाँ, ये राजनीति में पढ़ के वो गड़बड़ हो गई। सबके दिलों पर राज करने वाली है, खुद उसका बच्चा। नहीं, इतना किसी को भौंकना नहीं पड़ता, औकात नहीं रहता। ठीक है दोस्तों, कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी की गरीब का मजाक मत उड़ाया जाए, ये मैं कह रहा हूँ लास्ट बार। ठीक है दोस्तों, गरीब सब है, कौन अमीर है, गरीब सब है, लेकिन मजाक उड़ा, मजाक मत उड़ाइए। दोनों का एक साथ वीडियो बनाइए। हाँ, युवराज की दादी गई थी मिलने के लिए, बहुत इज्जत हुआ, ऐसा बोलिए उनका इज्जत हुआ, युवराज से मिले, ऐसा बोलना है यार, गलत नहीं करना किसी के साथ। मैं सबका इज्जत करता हूँ, ऐसा बात नहीं है, जो मुझे उल्टा बोलता है मैं उल्टा जवाब देता हूँ, बस मेरी एक खासियत है। अपने जगह विष्णुराज भी ठीक है, अपने जगह पे मालती भी ठीक है, सभी ठीक है, कोई गलत नहीं है, ठीक है, सब लोग ठीक है। मेन कौन है अभी उसको उत्ती नहीं हुआ है, जब मेन आ जाएगा तब मालूम पड़ता है। हमसे तुमसे लड़ने से कुछ फायदा नहीं है। पता चल जाएगा, छूट जाना चाहिए था अभी, कुछ होगा मिस्टेक। किसी का गरीब का मत उड़िए मजाक, अपने काम पर ध्यान दीजिए। आ जाती है मुँह उठा के, ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है दोस्तों, कोई गलती तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो वीडियो कमेंट कीजिएगा, लेकिन गरीब का मजाक मत उड़ाइएगा।